तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहली बात तो ये वीडियो नंबर 3 है, और जिसने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी वीडियो नंबर 1 देखे कि OBS स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि OBS स्टूडियो होगा तभी आप लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्रोम पे जाके डाउनलोड कर लो। फिर मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि OBS स्टूडियो में साउंड मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती है यार, कहीं पंखा, कहीं कूलर, कहीं टीवी, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम, कहीं गाड़ी का हॉर्न, कोई ज्यादा वो नहीं फील कर रहा है, तो ये सब बैकग्राउंड नॉइज कैसे हटाएं, ये मैंने दूसरी वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लेक्चर सेटअप कैसे करना है। जैसे आपको एक स्क्रीन चाहिए, फिर आप खुद भी तो आने चाहिए छोटी सी स्क्रीन में, जैसे बड़ी स्क्रीन में चाहिए वो बड़ी स्क्रीन में करें, जैसे छोटी में चाहिए वो छोटी में। तो लैपटॉप में OBS स्टूडियो को अपन सेटअप कैसे करें, आज की वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ यार, क्यों लेट कर रहे हो, आ जाओ फटाफट लैपटॉप पे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करें OBS स्टूडियो से। तो सबसे पहले ओपन करें OBS स्टूडियो को, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर दो स्लाइड बनाना है। यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करके आपको, जैसे यहाँ आ रहा है सीन 2, तो कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने दे रखा है स्क्रीन, तो आप भी देख सकते हो, आप भी दे सकते हो चाहो तो स्क्रीन। ठीक है, ऐसे स्क्रीन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर एक और नई बन जाएगी। जैसे मैंने ओके कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने नेम ऑलरेडी यूज किया हुआ है इसलिए नहीं बनी, जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रीन बनाओगे, अभी स्क्रीन के साइड में आपको सोर्सेज आएंगे, इस सोर्सेज में आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सबसे पहले डिस्प्ले कैप्चर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, जैसे आप डिस्प्ले कैप्चर लोगे आपको इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करना है, मैं इसको अनलॉक करता हूँ बोले यहाँ से, आपको डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको यहाँ पर स्ट्रेच करना है इसको, और स्ट्रेच कैसे करोगे आप, कंट्रोल एस से, या फिर आप सिंपल इस कर्सर से, इसको प्रेस करके इधर इधर ला सकते। ठीक है, ये है डिस्प्ले कैप्चर, इसमें क्या होगा आपकी लैपटॉप की रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो लैपटॉप की रिकॉर्डिंग के लिए हो गया डिस्प्ले कैप्चर, इसको मैं लॉक लगा देता हूँ। अब बात करूँ टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट जैसे मैं एजुग्राउंड के लिए पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आप चाहो जो यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, और टेक्स्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर उसको आपको मान लो ऐसा स्लाइड करवाना है, जैसे लाइन चल रही वैसे आपको स्लाइड करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे फिल्टर पे, और फिल्टर पे जाने के बाद आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है, वहां से आपको लेना है स्क्रोल। ठीक है, तो मैंने ले रखा है स्क्रोल, फिर आपको क्या करना है, इसकी स्पीड हल्की सी बढ़ा देनी है, मैंने कर दी 57 और क्लोज कर दी। तो इस तरह से ये क्या होगा, फिर स्क्रोल होना स्टार्ट होता है, जो लाइन मैंने लिखी हुई है वो स्क्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब किस में हुआ, ये सब हुआ स्क्रीन वाले में, अपन ने यहाँ सीन बनाया था स्क्रीन, उसमें अपन ने डिस्प्ले कैप्चर लिया और टेक्स्ट लिया। अब आपको क्या करना है, इनको लॉक कर देना है से, ताकि इनमें कोई चेंज ना हो, अगर आप क्लिक करो तो भी चेंज ना हो। ठीक है, फिर आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना है, और आपको बनाना है एक और स्क्रीन एंड मी, चाहो जो नाम रखो, मैंने लिखा था स्क्रीन एंड मी। ठीक है, ओके करके आप बना लेंगे, तो जैसे ही आप बनाएंगे स्क्रीन एंड मी, यहाँ पे देखो मैं दिख गया हूँ, हाई कर रहा हूँ आपको, और मैं लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, वेट अ सेकंड, अब देखो। ठीक है, तो ये स्क्रीन एंड मी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं कैसे आया, देखो ये जो है इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है इधर का, इसमें तो चलेगा मेरा लेक्चर, और इतने पार्ट में मैं दिखूंगा यहाँ पढ़ाते हुए। तो इस तरह से कैसे सेट करें, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, जो आपने पहले स्क्रीन बनाई थी, ये जो आपने स्क्रीन बनाई थी, ये डिस्प्ले कैप्चर और टेक्स्ट जो आपने लिखा था, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा डुप्लीकेट, ये सेकंड ऑप्शन, इसको आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डुप्लीकेट बन जाएगा, देखो यहाँ पर सेकंड वाले में डिस्प्ले कैप्चर भी आ रहा है और टेक्स्ट भी आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन का डुप्लीकेट बनाया, तो स्क्रीन में डिस्प्ले कैप्चर और टेक्स्ट दोनों था, तो यहाँ पर भी डिस्प्ले कैप्चर और टेक्स्ट दोनों। अब मेरे को खुद को लाना है, अब मैं खुद को कैसे लाऊंगा, वेब कैम से। ठीक है, अब वेब कैम मतलब क्या, आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, आपको प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको वो बोलेगा कि आपको नाम क्या रखना है, तुमने नाम रख दिया वेब कैम। ठीक है, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मैं आ जाऊंगा स्क्रीन।
पर अब मेरे को एक साइड में आना है, तो आपको साइड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेबकैम पे क्लिक करना है, जो मैं स्क्रीन लाया उस पर। अब देखो ये रेड हो गई, अब कंट्रोल एस दबाना है आपको, कंट्रोल एस, और जो कंट्रोल एस नहीं दबा पा रहे हैं या नहीं आ रहा समझ में, तो ट्रांसफॉर्म पे जाके स्ट्रेस टू स्क्रीन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस आ रहा है, तो जैसे आप स्ट्रेस टू स्क्रीन करेंगे, अब आप जो है इस कर्सर से इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको छोटा आना है तो आप छोटा कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा आना है तो आप बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से छोटा आना तो छोटा, बड़ा आना तो बड़ा। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेच हो गया, मैं इसको वापस ले आता हूँ। तो इस तरह से आपको मैंने समझाया, ठीक है, एक सेकंड ले आता हूँ, एक सेकंड, और ये हो गया। तो इस तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं अपने आप को नॉर्मल शेप में ला सकता हूँ, मैं चाहूँ जितनी साइज इसकी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं यहाँ से इसको इस तरह से कर देता हूँ, अब मैं कम स्ट्रेच लगा, ठीक है, नॉर्मल में ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता था, अभी ठीक है, अभी परफेक्ट है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं, पहले एक स्क्रीन बनानी है, उसमें डिस्प्ले कैप्चर और टेक्स्ट एड करना है, देन आपको उसका डुप्लीकेट बना के उसमें वेबकैम ऐड कर देना है और उसको स्ट्रेच करके साइड में रखना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि पीपीटी का क्या सीन, ऑनलाइन पीपीटी कैसे खोलें और उस पीपीटी का रेशियो फिक्स कैसे करें। ठीक है, चलो आ जाते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी के साथ, एसजे सर के साथ, और एजुकेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट करो यार, क्या दिक्कत है। थैंक यू।